हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं प्रणव, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज एक और नई वीडियो हमारा यूट्यूबर भाई लोगों के लिए। और आज की वीडियो में उन सभी लोगों के लिए एक मैं कहूं प्रे कर रहा हूं मैं, जो यूट्यूब में अपनी एंट्री करने वाले हैं या फिर जो यूट्यूब में सोच रहे हैं अपना चैनल बनाने के लिए या वीडियो अपलोड करने के लिए। तो भाई जिसको मत जितनी जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करो, बहुत ज़्यादा बढ़िया है तुम्हें अपना जो फेम है बिल्डअप करने के लिए। अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको पहले अपनी एक पहचान बनानी है। वो कैसे बनेगी, वो आपको अपने चैनल पे अपना कोई एक सूटेबल नाम, अपना कोई एक सूटेबल आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, जो बहुत सारे लोग समझता हूँ अबाउट सेक्शन से बनाना प्रीफर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है यार, आपको जो है अपने नाम से ही अपनी आइडेंटिटी और अपना फेम बनाना है। जैसे कि आप लोग जानते हो, जो बड़े बड़े यूट्यूबर लोग जैसे कैरी मराठी हो गए या अमित बड़ाना हो गया या फिर मिथ पैट हो गया, तो यार इनका आप जब नाम पे जाओ, अमित बड़ाना का जो नाम है वो उसका रियल नेम है, कॉमन नेम है, रियल लाइफ नेम है। कैरी मराठी, कैरी मराठी का कोई मतलब नहीं है। आप गूगल पे जाओ, सर्च करो कैरी मराठी का, आपको कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं मिलेगा, ना ही इंग्लिश लैंग्वेज में और ना ही मैं कहूँ किसी और लैंग्वेज में जो कि इंग्लिश को प्रीफर करती है या फिर इंग्लिश से आइडेंटिफाइबल है। तो यही बात है कि आपको अपने चैनल का नाम कैसे सोचना है। अब आप एक चैनल का एग्जांपल ले लो, एक चैनल का नाम है हैरी टेक एंड ब्लॉग, जिसको लोग सब्सक्राइब करते हैं, उसकी वीडियो देखते रहते हैं। सो गाइस, रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके घंटे वाले आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने कमेंट करा था कि भाई थोड़ा हल्के बोलने की कोशिश करो। अब यार मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप स्पीड हल्के कह रहे हो या फिर आप वॉइस टोन हल्के कह रहे हो। तो मैं अपनी स्पीड ही हल्की कर लेना, क्योंकि मेरे को अंदर से लग रहा है कि भाई मेरी जो स्पीड है बोलने की वो कुछ ज़्यादा है। सो गाइस, चलिए आज मैं अपनी स्पीड को हल्के करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। अब गाइस, आपको ना अपने चैनल कोई ऐसा नाम सोचना है जो आपका यूनिक हो। मतलब ऐसा नहीं है कि उस चैनल उस नाम से अलग अलग चैनल बने हुए हैं, और अगर बने भी हुए, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप कोई अपने चैनल का नाम सोचते हो, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड कोई चैनल का नाम है आप सोचते हो एक्स वाई जेड, अब आप पहले क्या करोगे, पहले आपको YouTube पे जाना पड़ेगा और वहां पे आप सर्च करोगे XYZ। अगर XYZ नाम से वहां पे कोई और चैनल है तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उस चैनल को खोलो, ओपन करो, उस चैनल पे क्या है वो देखो। अगर वो चैनल अपनी वीडियो रेगुलर अपलोड कर रहा है, या फिर बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि YouTube अगर उस नाम से कोई और चैनल नहीं बना होता है तो YouTube लोगों की आइडेंटिटी भी दिखाने लगता है। तो आपको ये चेक करना है, या तो उस जो चैनल है उस पर वीडियो अपलोड हो रही है, और अगर अपलोड हो रही है तो रेगुलरली हो रही है, या फिर वो चैनल एक्टिव है या नहीं है। ये चेक करने के बाद अगर वो चैनल एक्टिव नहीं है तो आप उस नाम से अपना चैनल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका चैनल ग्रो करेगा। और गाइस, एक दिक्कत ये भी है कि अगर आपका मन करता है कि मैं उसी नाम से चैनल बनाऊंगा, वो नाम मुझे अच्छा लग रहा है, और गाइस अगर आप उस जो मतलब उस नाम से कोई और चैनल बना हुआ है यूट्यूब पे, तो आपको दिक्कत कैसे आएगी, वो दिक्कत ऐसे आएगी कि मान लो कोई भी आपका व्यूअर है वो यूट्यूब पर जाके मैं कहूँ रैंडमली आपका चैनल सर्च करता है, तो आपका चैनल वहाँ पे रैंक नहीं करेगा, वहाँ पे उसी पर्सन का चैनल जो है रैंक करेगा जिसका पहले से उस नाम से जो चैनल है बना हुआ है। तो इसलिए आपको प्रीफर करा जाता है कि आप उस नाम से मत बनाओ चैनल जिस नाम से ऑलरेडी चैनल बने हुए हैं। और बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जो चैनल के ओनर होते हैं, मतलब उस नाम से जो बड़ा यूट्यूबर होता है, वो कभी कभी छोटे यूट्यूबर्स पे स्ट्राइक भी डाल देता है। और दूसरे जो बात आती है वो आती है टैग के केस में। अब टैग के केस में क्या बात आती है, मान लो किसी का चैनल है, जैसे मेरा ही चैनल है हैरी टेक एंड ब्लॉग्स, तो अब मैंने अपने चैनल में टैग लगा रखा है, तो यार ये कंपलसरी नहीं है कि आप अपने चैनल में टैग लगाओ ही लगाओ। आपके पास अबाउट सेक्शन है और आपकी कंटेंट और आपकी वीडियोस को देख के आपका व्यूवर ये समझ जाएगा कि आपका चैनल आखिरकार किस टॉपिक के ऊपर है। अब एक और बात, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने भी चेक करा था, तो मेरे सब्सक्राइबर्स से मैंने एक चीज कॉमन देखा, उनके लास्ट में वाईटी 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 लिखा हुआ है। तो भाई वाईटी वाईटी मत लिखो, ये बहुत ही और चीज है, ये आपके चैनल के नाम को मैं कहूँ खराब कर दिए। अगर व्यूवर को अच्छा लग रहा है तो बढ़िया है, वो आपके व्यूवर की ऑडियंस रिटेंशन है वो बढ़िया है, लेकिन यार ये जो वाईटी आप लोग लगाते हो ना एंड में, ये बिल्कुल बेकार है, खास करके गेमर्स के लिए वाईटी लगाना बिल्कुल बेकार है। और अगर आपको आखिरकार में समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अपने चैनल का नाम रखना क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई है अभी। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था कि कैरी मराठी है, मिथ पैट है, और बहुत सारे ऐसे चैनल का कोई मतलब नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपल से कोई भी इंग्लिश का वर्ड जाना है और गूगल ट्रांसलेट पे जाके टाइप कर देना है, ठीक है। और वहां से टाइप करने के बाद आपको उसे किसी ऐसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है थोड़ा मतलब हटके लगे, एकदम यूनिक लगे। तो यूनिक का जो आप यूनिक चैनल का नेम ढूंढना चाहते हो, उसका एक यही तरीका है, गूगल ट्रांसलेट पे जाके उस वर्ड को आप जाके टाइप करो, तो फिर आपका जो है वो रैंडमली कोई ना कोई वर्ड निकल के आ ही जाएगा जिसको आप सर्च मतलब लगाना चाह रहे हो। और फाइनली आपको क्या करना है, आपको अपना जो है यूट्यूब स्टूडियो खोल लेना है, चाहे वो आप पीसी में खोलो, चाहे वो आप फोन में अपने क्रोम ब्राउजर पे डेस्कटॉप साइट पे ओपन करके खोल लो,
तो वहां से आप अपने चैनल का नाम जो है आसानी से चेंज कर सकते हो। सो होप गाइस आपको समझ में आया कि आपको अपने चैनल का नाम कैसे रखना है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे एक बार फिर से कह रहा हूँ फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।